सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े कई समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वही मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, मगर कांग्रेस को आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए कांग्रेस ने ईवीएम के बाहर कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगा दी है ताकि स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखी जा सके। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा में ईवीएम पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अब इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सभी प्रत्याशियों का भविष्य कैद है ईवीएम में, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि जब तक ईवीएम में जो भविष्य कैद है और जो स्ट्रांग रूम में जो तमाम जो ईवीएम मशीनें रखी गई हैं उनकी सुरक्षा जो पुलिस और जो प्रशासन है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ये मानती है कि इसके बाहर एक कड़ी सुरक्षा खुद की भी होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। सर किस तरीके से इसे देखते हैं, क्या कुछ ऐसा लगता है आपको कि कुछ हो सकता है? देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये भाजपा है, भाजपा पर जल्दी से भरोसा नहीं किया जा सकता, वो क्या करेगी, लेकिन ये परंपरा रही है, हमेशा हमारे कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर रहे हैं। मशीनों का पहरा, पहले बॉक्स होते थे उनका पहरा करते थे हम लोग, और आज मशीनों का पहरा करना है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है वो वहाँ रहें और समय बारी बारी से अपना समय निर्धारित कर लें और मशीनों की निगरानी करें वहाँ रहना, क्योंकि लंबा समय है, लंबे समय तक कार्यकर्ताओं को रहना है, इसलिए जिलाध्यक्षों को और पार्टी के प्रत्याशियों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो इसमें हिला हवाली न बरतें और बहुत बहुत ही सजगता से मशीनों का पहरा दें। फिलहाल भाजपा की तरफ से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं हुए, कांग्रेस निर्देश जारी किए, तो इस बार क्या लगता है कि अगर भाजपा की तरफ से नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, आप लोगों को ज़्यादा फिक्र है कि क्या दूसरी विपक्षी पार्टी इस तरीके से कुछ कृत्य कर सकती है? निश्चित रूप से फिक्र है, हम किसी पे कौन क्या कर सकता है इसमें हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। हमारी जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो मशीनों की निगरानी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, हमारा उस पर पूरा भरोसा है, हम चुनाव आयोग में भी पूरा भरोसा रखते हैं, हमारा कहीं किसी पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि मशीनों की निगरानी होना जरूरी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जो लोग निगरानी के लिए हैं उन पर कोई शक नहीं, लेकिन जो विपक्षी दल है उस पर शक है कि पहले भी दुरुपयोग हुआ है, इस तरीके के गंभीर आरोप है और यही वजह है कि तमाम जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दे दी है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर अपनी भी पूरी निगरानी रखें। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।